बिटकॉइन लोगों को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बिटकॉइन को बैठ गया, कुरैशी साहब बैठ गए, आप लोग बैठे नहीं थे, तकरीर सुनने नहीं थे, बात सुने। कराची बार में वकला से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने आईन, जमहूरियत, इंसानी हुकूक के लिए वकला के साथ मिलकर तहरीकें चलाई हैं, चाहे वो अय्यूब यहया खान के खिलाफ हों या जियाउल हक के खिलाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इस मुल्क में आईन के लिए, जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक के लिए, वो हमने वकला के साथ मिलके मूवमेंट्स चलाए हैं, चाहे वो अय्यूब यहया खान के खिलाफ हो या वो जियाउल हक के खिलाफ एनआरजी मूवमेंट हो या वो मुशर्रफ के खिलाफ एआरजी मूवमेंट हो, आपका लॉयल मूवमेंट हो या आप, जब हम निकले हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से इस निजाम के खिलाफ, इस हकूमत और इस हकूमत के सहूलत पारा के खिलाफ, आज भी लॉयल्स जमहूरी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम सब ने हकीकी कानून हुक्मरानी और हकीकी जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करनी है, हमें अपने हुकूक का तहफ्फुज़ करना पड़ेगा, ये गैर जमहूरी कुव्वतें आपके हर हक पर डाका डाल रही हैं। आपका नारा था रूल ऑफ लॉ के लिए, आपने रूल ऑफ जस्ट के लिए जिद्दोजहद नहीं किया था, आपने रूल ऑफ इफ्तिखार चौधरी के लिए जिद्दोजहद नहीं किया था, आपने रूल ऑफ लॉ के लिए जिद्दोजहद किया था, इसलिए जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो आपका आजादी या अदलिया की आजादी का कोई मतलब नहीं होगा। और हम सब ने आप हकीकी रूल ऑफ लॉ के लिए और हकीकी जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करना है, हमें अपने आईनी हकूक का तहफ्फुज़ करना पड़ेगा। जो ये गैर जमहूरी कुव्वतें हैं वो आपके हर हक पे डाका डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारा पार्लियामान रबर स्टैम्प रहेगा, हमारा मीडिया सिलेक्टेड रहेगा, उस वक्त तक हम अपने अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। आपके साथ की जरूरत है ताकि हम अपना मीडिया का आजादी, बोलने का आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच को वापस ले आ सकते हैं, ताकि हम आईन का और कानून का बालादस्ती को वापस ले आ सकते हैं, ताकि हम आपकी जमहूरी हकूक का, आपका वोटिंग का, आपका पार्लियामान के आजादी को वापस ले आ सकते हैं। जब तक आप आजाद नहीं होंगे, जब तक आपके पास आपके आईनी हकूक नहीं होंगे, तब तक हम आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। जब तक पार्लियामान एक रबर स्टैंप रहेगा, जब तक हमारा मीडिया सेलेक्टिव मीडिया रहेगा, तब तक हम अपने आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान वकला की जानिब से शदीद बदनज़्मी का मुजाहरा किया गया और तकरीर के दौरान मुस्तकिल शोर शराबा जारी रहा। बिटकॉइन लोगों को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बिटकॉइन को बैठ गए, कुरैशी साहब बैठ गए, आप लोग बैठे नहीं थे, तकरीर सुनने थे, बात सुने। आप लोगों को लिए आए हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्लीज बैठे और खामोशी से सुने सर।